हर वर्ष बरसात में वन महोत्सव मनाकर वन रोपण का कार्य किया जाता है और इस पर सरकारों द्वारा करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं, लेकिन उन्हें बचा पाना विभाग व सरकारों के लिए टेढ़ी खीर साबित होता है। पौधों का संरक्षण ना हो पाने के कारण हर वर्ष सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगता है। हर वर्ष पौधा रोपण का कार्य फोटो खिंचवाने और इन्हें भूल जाने की रस्म सा बन गया है। वनों के संरक्षण को लेकर प्रदेश में नवगठित भाजपा की जयराम सरकार ने प्रदेश में पहल करते हुए इस दिशा में कारगर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष वनों के संरक्षण और रोपित किए गए पौधों को जीवित रखने के लिए सरकार कारगर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पौधारोपण के दौरान लंबे पौधे लगाए जाएंगे और कोई भी पौधा 2 साल की कम उम्र का नहीं होगा, तथा दूसरी यह कि जिस भी स्थान पर पौधारोपण किया जाएगा उस स्थान पर पौधारोपण से पूर्व पूरी तरह तारबंदी की जाएगी ताकि पौधों का संरक्षण किया जा सके। वन मंत्री ने कहा कि इस साल जहां भी पौधारोपण का कार्य किया गया है उन स्थानों की पूरा वर्ष भर निगरानी की जाएगी और अगले वर्ष ये देखा जाएगा कि किन स्थानों पर सबसे अधिक पौधों का सर्वाइवल हुआ है और जहां पर पौधों का सबसे अधिक सर्वाइवल हुआ होगा उस पूरे वन वृत्त को सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि प्रथम स्थान पर आने वाले वन वृत्त को 1 लाख, दूसरे स्थान पर आने वाले वन वृत्त को 75,000 और तीसरे स्थान पर रहने वाले वन वृत्त को 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त वनों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा नर्सरी की गुणवत्ता बढ़ाने और तारबंदी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में अभियान के रूप में चलाए गए 3 दिनों के भीतर ही 17,54,000 पौधे रोपित किए गए हैं, जिनमें 86,000 लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि पौधों के संरक्षण और जीवित रखने के लिए लोगों का सहयोग लिया जाएगा। देखा गया है कि बहुत कम होते हैं, तो इसके लिए आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि सर्वाइवल रेट अच्छा हो। इस साल हमने ये निश्चित किया है कि हम 12 प्लांट्स लगाएंगे और कोई भी पौधा 2 साल से कम उम्र का नहीं होगा। और दूसरा यह है कि जिस भी स्थान पर प्लांटेशन होती है उस जगह को प्लांटेशन से पहले हम फेंसिंग कर रहे हैं और जब वो पूरी फेंसिंग होगी कई प्रकार की चीजों से वो बचेगी। और अगली बात यह है कि हम पूरा साल भर जहां जहां प्लांटेशन होगी उसकी मॉनिटरिंग का काम करने वाले हैं। और अगले वर्ष हमने किया है कि हम सारी की सारी जहां जहां प्लांटेशन हुए इसको पूरा साल भर इसके देखेंगे भी और फिर देखेंगे कि कहां पर हमारी सबसे अधिक सर्वाइवल है और जहां पर अच्छी सर्वाइवल है तो उन डिवीजन को हम पुरस्कृत भी करेंगे। और इसलिए कि और मैं धन्यवाद देता हूं कि हिमाचल के लोगों को भी और हमारे वन विभाग के कर्मचारियों को भी। देखिए, इस साल हमने 12, 13, 14 जुलाई 3 दिन हमने एक कैंपेन प्रारंभ की थी और जिसका शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने पच्छाद में किया था। और इस सब में एक रिकॉर्ड बना है कि 3 दिनों में 17,54,000 वृक्ष लगे, जो अपने आप एक रिकॉर्ड है। और उस सब वृक्षों को लगाने के लिए 86,000 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो इसलिए इसकी देखरेख और सब चीजों को करने के लिए हम नर्सरी की गुणवत्ता भी बढ़ा रहे हैं और इसके लिए जो फेंसिंग और साथ में गड्ढे बनाने का काम, गड्ढे प्रॉपर बने। और इसके बाद ये अभियान हमारा लगभग जब तक बरसात का सीजन है, अगर 15 अगस्त तक होगा तब तक लगाएंगे, अगर 31 अगस्त तक तब लगाएंगे। लेकिन अब जो प्लांटेशन होगी एक एक प्लांट का हम पूरी यानी कीमत निकालेंगे और उन पौधों को खड़ा करेंगे। सर, जो पुरस्कृत राशि होगी वो क्या होगी? देखिए, अभी हमने कहा है कि जो पुरस्कृत राशि होगी तो उसमें अगर जो डिविजन फर्स्ट आएगा वह 1,00,000 रुपये, 75,000 रुपये, 50,000 रुपये, इस प्रकार से उनको हम पुरस्कृत करेंगे।